गाइस, ये हैं करण जोशी जी, और आपका नाम क्या है बेटा? संदीप सिंह। मुन्ना सेठ। दीपेश सिंह रावत जी हैं। तो ये बच्चे जितने भी हैं यहाँ पर, जो डिग्री कॉलेज है, बैंक है, और यहाँ पर एमटीएनएल का दफ्तर है, तो उनमें इनके पापा लोग जो है कर्मचारी हैं, तो ये बच्चे भी यहीं रहते हैं। चलो उमेश पांडे, फिर से स्वागत है आपको दोस्तों। आज मैं आपको शालदे के अंदर जो महाविद्यालय डिग्री कॉलेज है वो आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं ऊपर को और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, ऑलरेडी मैं यहाँ पे जहाँ पर कॉलेज का एरिया शुरू होता है, तो वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ, और बस रास्ता यही है। आगे का नज़ारा मैं आपको अभी दिखाते रहूँगा, और चलते हैं। ये है कुछ इस तरह से कॉलेज का एरिया फर्स्ट का, और ये नीचे आप जो देख रहे हैं ये बन रहा है एक नई बिल्डिंग, यानी कि ये एक हॉस्टल बन रहा है बच्चों का। जो बच्चे बहुत दूर दराज से आएंगे तो वो इसी हॉस्टल में रह सकें, है ना? बिल्कुल। आपका नाम क्या है? करण जोशी। करण जोशी, आपका नाम क्या है? दीपेंद्र। तो आज आप यहाँ क्या करने आए हो बताओ? घूमने आ रहे हैं। घूमने, तो एंजॉय करोगे? हाँ। बहुत मजे के साथ। हाँ। अपना अपना क्या करके नाम बताओ। मेरा नाम करण जोशी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुलदार। अच्छा, आप भी? अच्छा अच्छा, सेठ। हाँ। सबसे बड़ा सेठ है तुमसे बीच में। तो चले फिर, आप हमें एक एक करके सब दिखाओगे आज? चलो हैं, चले फिर। तो इधर से चलते हैं फिर। चलो, तो कुछ बच्चे लोग भी यहाँ पे मुझे मिल गए हैं, और तो एंजॉय करते हैं थोड़ा इनके साथ। और थोड़ा इनको ये हमें दिखा रहे हैं, काफ़ी शांति है इस एरिया में, तो हम देख सकते हैं। और ये है एक यहाँ पे प्रशासनिक भवन, और ये भी कॉलेज का ही है। और एक बिल्डिंग हम महाविद्यालय का ये नीचे वाला है जो आप देख सकते हैं, काफ़ी पुराना, और इसका उद्घाटन जो किया था उस टाइम पे यूपी के मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह जी ने, तो करीब कौन से सन में क्या होगा ये तो मुझे याद नहीं है, बहुत पहले किया था, तो बहुत साल हो गए, करीब 20-25 साल से ऊपर ही हो गए जहाँ तक ख्याल है। तो ये है गाइस यहाँ का इलाका, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत व्यू है सामने का, आप देख सकते हैं कहड़गाँव, और बस बगल में आप देखते हैं चंपानगर, और साथ में देखते हैं जसपुर गांव। तो अभी चलते हैं ऊपर को। तो गाइज, लास्ट पॉइंट तक हम पहुंच चुके हैं। ऊपर एक बिल्डिंग है जो अभी यहां पर बिल्कुल खस्ता हालत में, यानी कि बंद हो चुका है। एक बिल्डिंग यहां पर ठीक सामने बन रखी है, ये सामने ये बच्चे बताएंगे। बच्चे, ये कौन सा कक्ष बन रहा है यहाँ पर? नया बिल्डिंग बन गई यहाँ पर, कॉलेज की बिल्डिंग है, तो सारे बच्चे वहीं पढ़ने आते हैं। वही बीएससी की दो बिल्डिंग है। और यहाँ नीचे क्या है, कार्यालय? यहाँ पहले था एक नीचे प्राइमरी स्कूल है। वो तो है नहीं, ये बिल्डिंग सारी बंद हो गई अब। हाँ। हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा ये सरकार ने उधर बना दिया है, सरकार यहाँ टूट फूट हो गई है, नया बना रखा है वहाँ, बना दिया उसने बिल्कुल। तो जैसे बच्चे बोल रहे हैं कि सामने एक बिल्डिंग बनाई है, अभी वहाँ भी चलते हैं, तो आपको आज पूरा ये सीधा कवर दिखाते हैं, तो बहुत ही प्यारा। इस बिल्डिंग को क्रॉस करने के बाद दो बिल्डिंग हमें और दिखाई दिए, तो वहाँ भी चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो कुछ हमारे साथ बच्चे भी मिल गए यहाँ पे, ये भी घूमने फिरने आए हैं यहाँ पे फुल मस्ती, और एकदम से साफ शुद्ध हवा यहाँ पे। और नीचे आज जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पूरा आज सील है, बंद है, तो इसके वजह से मैं उनसे पहले यहाँ को निकल चुका था। अगर मैं 5 मिनट और देर करता तो फिर मैं वहाँ पर फंस जाता और मैं नहीं आता, क्योंकि श्यानगर जो है काफ़ी सील हो चुका है, और काफ़ी लोग वहाँ पे पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो है आज मैं जो है यहाँ पर आया हूँ और आपको यहाँ पे दिखाने के लिए। यह है हिंदी विभाग बिल्डिंग, लेकिन सारी बंद पड़ी हुई है, और अर्थशास्त्र विभाग, तो ये सारा जो है 5-6 साल से ये भी बंद बता रहे हैं। तो गवर्नमेंट तो खर्चा बहुत कर रही है, पर पढ़ने वाले बच्चे शायद मुश्किल हैं यहाँ पर, और जहाँ भी देखो बिल्कुल भी कम दिखाई दे रहे कर्मचारी यहाँ पे। तो ये है एक नज़ारा, और चल। तो
तो एक बिल्डिंग यहाँ पर ऊपर आ चुके हैं जहाँ पर यह लास्ट है ये, और यहाँ से ऊपर को जंगल का इलाका लग गया, तो ये भी पूरा बंद ही पड़ा है। कितने साल से बंद हो गए? चार पाँच साल से, छः सात साल से ये भी बंद पड़ा हुआ है, लगी रहा है बिल्डिंग अपने आप। तो ये बिल्डिंग है, इतना खर्चा, बावरी कैसे बंद करी। तो मैं इतने हाईएस्ट पे ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पे कॉलेज के बहुत सारे बिल्डिंगें हैं, आप देख सकते हैं। सबसे नीचे प्राइमरी पाठशाला और उसके बाद फिर ये कॉलेज के हैं सारे, और कह रहे हैं कि यहाँ पर ये कॉलेज सारे बंद हो चुके हैं, और सामने जो आप दिखाई दे रहा है आपको सामने, वहाँ वहाँ पर ये बिल्डिंग चालू हो गई है। तो अभी देखते हैं, चलते हैं वहाँ पर और आपको नज़ारा थोड़ा सा खूबसूरत और ऊपर चलते हैं। तो आज मस्त नज़ारे यहाँ पे देखने को मिले, आज बहुत बढ़िया। और मैं इस समय डिग्री कॉलेज के ठीक ऊपर वाली बिल्डिंग उसके छत पर आया हूँ, छत पर आने का था, बच्चों ने कहा। तो यहाँ से बहुत ही मस्त नज़ारे आपको दिखाता हूँ, और एक राउंड आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, बहुत ही मस्त नज़ारा। तो इस समय सूर्य भी छिपने वाला है और टाइम हो रहा है इस समय 5:30, और बहुत ही मस्त नज़ारा, क्या सुरीली हवा, गदगद हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत ही मज़ेदार। तो दिखाते हैं आपको व्यूज। ऑलरेडी मैं कॉलेज के आपको सारे सीन दिखा चुका हूँ, तो मैं ठीक कॉलेज के ऑपोजिट जहाँ पर गेस्ट हाउस है सरकारी, तो वहाँ पर जा रहा हूँ, और ये बच्चे भी मेरे साथ साथ ही हैं और अच्छा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये कुछ कहना चाहते हैं, बताओ बच्चों, क्या कहना चाहते हो चैनल के बारे में? वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्यार से कमेंट करें, ये भी यही कह रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी। चलते हैं वहाँ पर और आपको एक खूबसूरत नज़ारा थोड़ा गेस्ट हाउस का दिखा देता हूँ, और थोड़ा वहाँ पर जो नई बिल्डिंग बनी है वो भी दिखा देता हूँ। चल रहे हैं वहीं पे, दिखाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सामने देखते हैं, डिग्री कॉलेज है पूरा, और वहाँ से मैं इधर से होते हुए मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, और ऐसी जगह पहुँच चुका हूँ कि एक बार मुझे पूरा बचपन याद आ गया। मैं कक्षा 3 या 4 में पढ़ता था, तो हमने एक बार यहाँ पर एक टूर्नामेंट मैच खेला था, और ये ज़मीन मुझे जहाँ तक ख्याल है ग्वाली वालों की ज़मीन है। तो एक बार मुझे याद है कि हमने इसी ज़मीन पे हमने टूर्नामेंट खेला था, और वहाँ से चौका मारते थे, छक्का मारते, नीचे बॉल जाती थी तो छक्का हो जाता था। तो काफ़ी लोग थे उस टाइम पे यहाँ पे, आज वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए हैं। और तो यहाँ पर आया तो ये दिख गया, तो मुझे याद आ गई। तो ये है हमारा, ये हैं करण जोशी जी, और आपका नाम क्या है बेटा? संदीप सिंह मुन्ना सेठ, दीपेश सिंह रावत जी हैं। तो ये बच्चे जितने भी हैं यहाँ पर, जो डिग्री कॉलेज है, बैंक है, और यहाँ पर MTNL का दफ्तर है, तो उनमें इनके पापा लोग जो है कर्मचारी हैं, तो ये बच्चे भी यहीं रहते हैं और यहीं पढ़ाई करते हैं। और ये बच्चे कुछ बोलना चाहते हैं आप लोगों से, तो दीपेश जी क्या बोलना चाहते हैं आप यहाँ के बारे में बताइए आप। हाँ, जिले में
बिल्कुल। और आप भी क्या बोलना चाहते हैं? ये पहाड़ का नजरिया ही कुछ और है। अच्छा अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको दिल्ली अच्छा लगेगा, बॉम्बे अच्छा लगेगा या यहाँ अच्छा लगेगा? हमको यही अच्छा लगेगा। बहुत गर्व से आपने आप बोल दिया आपने यार, बड़े मजे की बात है। तो यही अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। बहुत ही मजा। हाँ। अरे वाह 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 वाह, कुछ बोलना चाहते हैं तो? आपको मेरा चैनल कैसा लगता है आपको? बहुत ही अच्छा। कुछ बोलना चाहते हैं मेरे चैनल के बारे में? आप बताइए क्या बोलना चाहते हैं? अरे वाह वाह वाह, और आप बताइए। बिल्कुल, और भी कुछ सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाइए ताकि आपके पास मेरा नोटिफिकेशन आता रहे। तो गाइस, ये लोगों का भी इन बच्चों का भी कहना यही है, और आप चलो आगे चलते हैं। तो इन बच्चों का भी कहना यही है कि लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि मैं आपको और भी वीडियो दिखाऊं और दिखाते रहूं। तो चलते हैं आगे की तरफ, और ये बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ पे फुल एंजॉय ले रहे हैं और मेरे को मिल गए। बहुत बढ़िया यार, यहाँ का नज़ारा बहुत बढ़िया है यहाँ का। और चलते हैं आगे, ये न्यू बिल्डिंग कॉलेज का आ गई है, और जहाँ से मैं अभी आया हूँ वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और जैसे कि ये बिल्डिंग है, ये आप हॉस्टल बन रहा है, और सामने भी कॉलेज का ही है, डेयरी कॉलेज का पूरा, और ये सारे कॉलेज का। अभी मैं छत से आप जो सीन दिखाया था वो वहाँ से दिखाया था, बहुत ही प्यारा व्यूज। बीएससी, तो बीएससी सेक्शन इसी बिल्डिंग में है, और जैसे कि आप नज़ारे देख रहे हैं ये भी कॉलेज ही है, सामने भी कॉलेज ही है, और ये नया बना हुआ है। तो कितने बिल्डिंग बनी यहाँ पे? दो बिल्डिंग बनी है, तो चलते हैं ऊपर अभी। तो अभी मैं बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई शायद स्टाफ यहाँ पर है नहीं, और बहुत प्यारा और खूबसूरत नज़ारा इस बिल्डिंग का आप देख सकते हैं। और तो हाँ, होंगे कंकाल यहाँ पे, तो ये है यहाँ पे बहुत बढ़िया नज़ारा, और यहाँ से सामने का व्यूज इतना मज़ेदार कि क्या बताऊँ। इस कोरोना काल में सब जगह ठप हो चुका है, यहाँ पहाड़ों में क्या शहर क्या पहाड़ क्या, आप देख सकते हैं नज़ारा। मैं आपको नज़ारा दिखा ले रहा हूँ, बहुत ही मस्त नज़ारा। आप सामने का जो नज़ारा देख सकते हैं वो है ग्राम तामाढ़ून, और बहुत ही मस्त व्यूज आप देख सकते हैं। और उस जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी के उस तरफ जो है वो देघाट पड़ता है, नागचुला खाल। तो लास्ट जो पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है वो गढ़वाल और कुमाऊं का बॉर्डर नागचुला खाल पड़ता है, और बहुत ही प्यारा खूबसूरत, मैंने जूम में ले रखा है इस समय और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और सामने नंगरगांव, तामाढ़ोन और गुनसेड़ा और नौगांव, और यहाँ से मात्र श्यानगर भी दिखाई देता है। गाइज, अब चलने का टाइम आ गया है, और वैसे भी मुझे मार्केट सारा बंद पड़ा है यहाँ, और कोरोना का यहाँ बहुत ही भयंकर माहौल चल रहा है। सिर्फ इस समय मैंने वीडियो बनाते समय अपना जो है मास्क उतार रखा है, और आज मैं पूरा कॉलेज का आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। और अब मेरे यहाँ से जाने का टाइम आ गया, तो चलते हैं आगे, कहीं और नज़ारा देखते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करना, आज जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। तो फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में आपके साथ, तो तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।